please subscribe Blevor for more videos and press the bell icon for notifications. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है एंड वेलकम टू ब्लेवर रिव्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेज़न प्राइम पे 10 जुलाई को रिलीज हुई नई वेब सीरीज ब्रेव इनटू द शैडोज के बारे में। चलिए देखते हैं कैसा रहा ये शो। अभी सिया वापस आएगी ना? It's been 3 months. इस शो में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं अभिषेक बच्चन, अमित शाह, नबिता बोर ठाकुर और ऋषिकेश जोशी। इनके साथ सयामी खेर और नित्या मेनन भी हैं कास्ट में। शो की कहानी तब शुरू होती है जब डॉक्टर अविनाश, यानी जो कैरेक्टर अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे हैं, उनकी बेटी सिया इसी बर्थडे पार्टी से गुमशुदा हो जाती है। छानबीन जारी है, लोग परेशान हैं, पुलिस भी खोजबीन कर रही है कि किसी तरीके से किडनैपर से कोई कॉन्टैक्ट हो पाए या किडनैपर कोई फोन करे, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर अविनाश के घर एक पार्सल आता है जिसमें कुछ डिवाइसेस पाए जाते हैं। He's not gonna stop. अब तक हमें सिया के बारे में कुछ पता नहीं। इस पार्सल के थ्रू किडनैपर डॉक्टर अविनाश को ये कहता है कि उसे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उनसे कुछ कार्य यानी उनको कुछ टास्क देता है लोगों को मारने का, ताकि वो अपनी बेटी सिया को वापस लेके आ सके। अगर आप सिया को वापस चाहते हैं तो आपसे पैसे नहीं कुछ और मांगूंगा, आपको इन्हें मारना होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन काम अमित शाह ने किया है। जब अमित आपके स्क्रीन पे आते हैं तो आपका इंटरेस्ट शो के लिए थोड़ा और बढ़ जाता है। उनके डायलॉग्स थोड़े से कम है कम्पेयर टू द प्रोटैगनिस्ट, लेकिन वो अपने आंखों से इतना कुछ बयान कर देते हैं कि आप उनके परफॉर्मेंस में खो जाते हैं। बात की जाए बाकी एक्ट्रेस की तो ऋषिकेश जोशी, लबिता बोर ठाकुर, नित्या मेनन और सयामी खेर ने काफी अच्छा काम किया है। ये सभी कैरेक्टर्स और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स दोनों प्रोटैगनिस्ट अमित शाह और अभिषेक बच्चन को पूरा सपोर्ट देते हैं और शो के फ्लो को स्मूथली रन करते हैं। अभिषेक बच्चन बहुत प्रयास करते हैं अपनी कला से हमें लुभाने का, लेकिन अंत में बाजी अमित शाह मार जाते हैं। ओवरऑल शो की बात की जाए तो पहले एक आध एपिसोड थोड़े से स्लो है, आपको थोड़ा टाइम लगता है शो से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसे आप एपिसोड बाय एपिसोड देखने लगते हैं आप उसके बाद पूरी सीरीज देख के ही उठते हैं। हम जा रहे हैं 5 में से 3.5 स्टार्स के साथ ब्रीथ इनटू द शैडोज के लिए। थैंक यू सो मच और देखते रहिए ब्लेवर। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।